तो कैसे हैं आप लोग। मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो मैंने बनाया था स्टोर कीपर के ऊपर, जो कि अभी लगभग 32,000 व्यू है। मैंने फर्स्ट वीडियो उसी पे बनाया था, लेकिन आए दिन हर दिन मेरे वीडियो में कमेंट रहता है कि स्टोर कीपर का काम कैसे होता है, आप उस पर एक वीडियो बनाएं और हमको समझाएं। तो मैं आज बताने वाला हूँ और फ्रेशर भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, मैं ऐसे बताऊँगा। तो बने रहे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और मैं स्टोर भी दिखाने वाला हूँ थोड़ा बहुत, वैसे अलाउ नहीं है किसी भी कंपनी में कुछ भी दिखाना, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। सो जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद मैं स्टोर में आपको लेकर चलूँगा और वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको दिखाऊँगा सामान कैसे है और लिखना कैसे। तो मेरे सामने ये है रिपोर्ट, ये मैनुअली रिपोर्ट है, आपको हाथ से बनाना पड़ता है। सबसे पहले एक इशू रहता है, ऐसा इशू में आपको इशू करना होता है क्या मटेरियल आउट हुआ और क्या मटेरियल इन हुआ। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट में आपको लिखना होता है, रिपोर्ट में वही सब कुछ लिखना होता है। और ये जैसा है ऐसा आपको एक्सेल में एक प्रोग्राम बनाना होता है जिसमें रिपोर्ट तैयार किया जाता है मंथली, लेकिन वैसे ये बाय हैंड जो है ये मैनुअली है, ये भी अच्छा होता है और इससे भी आप लोग बना सकते हो। एक तरफ आपका आउट हुआ, एक तरफ आपका इन हुआ, तो दोनों लिखना पड़ता है इसमें। तो स्टोर कीपर का काम सिंपल होता है। स्टोर कीपर का काम सिंपल ही होता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ज़्यादा आपको समझने की कोशिश करनी है रिपोर्ट मेन है, और आपको चेक करना होता है जो भी आप स्टोर से आउट करते हो जाकर खुद से, और जो भी इन हुआ वो रिसीव करना पड़ता है। उसके बाद उसको चेक करना पड़ता है सामान चाहिए कि नहीं, जो बिल है आपके पास उसके हिसाब से सब कुछ रिसीव करना होता है। स्टोर कीपर का काम बहुत सिंपल है और सैलरी भी इसमें अच्छा खासा मिलता है, 1500 से 2000 तक। तो इसमें आप लोग काम कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। स्टोर कीपर का काम अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, और मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ, फुल नहीं बता सकता। और स्टोर कीपर के लिए कुछ कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर सीखना है और सिर्फ कंप्यूटर में बेसिक अगर आप सीखते हो और एक्सेल में आपको प्रोग्राम बनाना आता है तो आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये तो मैंने आपको बता दिया मैनुअली और काम कैसे होता है रिपोर्ट का। काम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट का है, और आपको चेक करना होता है टोटल सामान। तो अगर आप दुबई में आते हो तो आपको ज़्यादातर इंडियन ही मिलेंगे जो सामान लेकर आते हैं या जो लेकर जाते हैं, तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इजिप्शियन और दूसरे कंट्री के भी लोग आते हैं, इसकी वजह से आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और स्टोर कीपर में क्या है, सिर्फ आ जाओ स्टोर कीपर में, आपको समझ में आ जाएगा काम। बाकी मैं चल के आपको स्टोर दिखाता हूँ, स्टोर में सामान कैसा है। अभी मैं आ गया हूँ स्टोर में। ये पीछे आप देख सकते हो कार्टून है पूरा, इसमें सामान रखा हुआ है, फेंका हुआ है, अरेंज करके ये सब लिखना होता है आपको रिपोर्ट में। तो ये सब बनाना होता है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और ज़्यादा स्टोर के बारे में मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, बाकी और बड़ा स्टोर है उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि कंपनी वाले की तरफ से अलाउ नहीं है। पीछे आप देख सकते हो सब कुछ सामान रखा हुआ है, और बस यही स्टोर का काम है। अगर आप आओगे स्टोर के काम में तो आपको समझ में आएगा काम कैसे होता है। सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब कुछ सामान अरेंज करके नहीं रखा है, ऐसे ही फेंक दिया जाता है, काम है या नहीं है फेंको। सामने ये सब सामान रखा हुआ है ऐसे। जैसा कि मैंने आपको स्टोर दिखा दिया है थोड़ा बहुत, वैसे और भी बहुत सारा स्टोर है इधर साइड में, बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि मैं दिखा नहीं सकता। और बस आप समझ जाओ ऐसे ही कि स्टोर कीपर का काम कैसे होता है। बाकी मैंने आपको रिपोर्ट दिखा दिया, स्टोर दिखा दिया, और काम कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया थोड़ा बहुत। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको समझ में आएगा, वैसे अगर आप काम जब तक नहीं करते हो तब तक आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए आप आओ उसके बाद काम करो, बाद में तो बहुत। मैंने इस वीडियो में बताया कि स्टोर कीपर का काम कैसे होता है और कैसे आप लोग कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और लगी होगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। आने वाले जो वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।